तालिबे इल्म बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है चाइनीज़ जो है वो सिखाई जा रही है। ये सारे जो हैं कैदी हैं। मैं जो है यहाँ 302 के केस के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ। जो हमने यहाँ सीखा है तो वही जो है आज हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीगर जो साथी हमारे कैदी हैं उनको हम जो है हम सिखा रहे हैं। बेरिक में कुछ लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो वो आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं या रिविजन कर रहे होते हैं रजिस्टर खोल के, तो उनको देख देख के तो मैंने भी एडमिशन लिया यहाँ पर। वाचा ओ ताशान वाचूजाए खालाची वाशिर पाकिस्तान रंग। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं अयाज बरोही और आज हम किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी या किसी ट्यूशन सेंटर में नहीं है बल्कि कराची सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। मेरे कब में आप देख रहे होंगे यहां पे तालिबे इल्म बैठे हुए हैं और यहां पे जो है चाइनीज़ जो है वो सिखाई जा रही है। ये सारे जो हैं कैदी हैं और अपने अपने जो जुर्म में जो है उनको सज़ाएँ हुई हैं, वो सज़ाएँ भी काट रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर वो चाइनीज़ भी सीख रहे हैं। यहाँ पर जो चाइनीज़ सिखा रहे हैं जो उस्ताद दें उनसे भी हम बात करेंगे और इन कैदियों से भी आपकी बात करवाएंगे कि उनको ये शौक कहां से हुआ और ये कितनी चाइनीज़ जो है वो सीख सकें। सबसे पहले सर आप बता दें कि आपको कैसे शौक हुआ और अब आप पढ़ा भी रहे हैं और किस जुर्म में आप यहां पर हैं। सर मैं जो यहां 302 के केस के अंदर मैं यहां पर आया हूं और यहां जेल के अंदर जब हमारे इल्म में ये चीज़ आई कि जेल इंतज़ामिया के ताउन से यहाँ चाइनीज़ क्लास शुरू की जा रही है, तो ये एक मेरे को एक शौक एक जज्बा पैदा हुआ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस हवाले से बाहर का जो माहौल चल रहा है इस वक्त सी पैक के हवाले से स्पेशली के चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से बिज़नेस आ रहा है और जिस तरीके से दीगर मामला हो रहे हैं, तो उस हवाले से जो है मेरे को भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं यहाँ पर जो है चाइनीज़ सीखूँ ताकि बाहर जाके मैं भी इस सिलसिले में कोई कारामद शहरी के तौर के ऊपर अपना मैं कोई फरीज़ अंजाम दे सकूँ। मैं तो यहाँ सीखने के बाद जो हमने यहाँ सीखा है तो वही जो है आज हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीगर जो साथी हमारे कैदी हैं उनको हम जो है हम सिखा रहे हैं। थोड़ी हम आपसे चाइनीज़ सुनना भी चाहेंगे। हमें इस चाइनीज़ में ये बता दें कि आपकी अब सज़ा बाकी कितनी रह गई है। सर मैं पहली बात तो ये है कि मैं अंडर ट्रायल हूँ। हाँ मेरी मतलब ये सज़ा नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है मेरा केस चल रहा है। जी थोड़ा चाइनीज़ में बताता हूँ मैं वाचाओ ताशान वाचूजाए खालाची वाशिर पाकिस्तान रन। इसका मतलब ये मैंने बोला कि मेरा नाम चाइनीज़ ने मेरा ताशान है, मैं कराची में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे दूसरे जो तालिबे इल्म हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। सर ये बताते हैं आप यहाँ पे चाइनीज़ सीखने का शौक़ कैसे हुआ आपको? सर यहाँ पे जब पता चला हमें कि चाइनीज़ सिखाई जा रही है तो इस वजह से शौक़ हुआ चाइनीज़ सीखने को। तो क्या सीखी है आज? सर जैसे आपका नाम क्या है, नीचिया और शनवा मिंग्स, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? नीचिया नाकोरन। और सर बाकी आपकी एज वगैरह क्या है, इस तरीके से था शीर्ष ये आपके कौन है? आप बता दें आपने क्या सीखा है चाइनीज़ में अब तक? सर मैं न्यू एडमिशन में हूँ, तो बेरिक में कुछ लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो वो आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं या रिविज़न कर रहे होते हैं रजिस्टर खोल के, तो उनको देख देख के तो मैंने भी एडमिशन लिया यहाँ पर। आज फर्स्ट डे। अच्छा, जो दूसरे कैदी आपके साथ बैरिक में होंगे तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? सर अच्छी चीज़ें तालीम जितनी हासिल हो सके। वैसे कितनी तालीम हासिल की आपने? मैं 9 पास कर चुका हूँ। 9 पास कर जी। किस केस में? 93-97। बिल्कुल ऐसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये तालिबे इल्म हैं जो चाइनीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं और जेल इंतज़ामिया की जानिब से इनको ये जो तालीम है वो उनको दी जा रही है कि वो अगर इस केस में बरी होते तो बाहर जाके वो अपनी लाइफ जो है पहले से बेहतर नमूने से गुजार सकें।